इसकी दाढ़ी है, इसकी आंखें हैं, ये बेरी में, बेरी में। हाँ यार, मुझे तो नजर गायब हो गया, गायब हो गया, ये अंदर गायब हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम। जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात की तरफ से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जी थर्मल इमेजिंग कैमरा में ऐसा रिकॉर्ड हो गया है जो हम सोच नहीं सकते। मुझे तो याद आ रहे हैं वो बाबा जी जो उस सफ़ेद मखलूक के मुतालिक बता रहे थे। इस पर बात होगी जी, देखिए थ्रेशोल्ड में भी देखिए कि क्या रिकॉर्ड हो गया है। उस बेरी के दरख्त में जहाँ थोड़ी देर पहले बिल्ली जाती है, बिल्ला इसी जगह पर हम उसको ढूंढ रहे होते हैं और हम क्या देखते हैं कि ये कुछ एक बुजुर्ग से ऐसा लग रहा है, सफ़ेद दाढ़ी है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता उसी दरख्त में जा रहे हैं। और ये थर्मल इमेजिंग कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, इसके अलावा किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सका, ना बिल्ली इस तरह से और ना ये अंदर जाते हुए ना। तो इस पर बात होगी जी। मैं जरा चाह रहा था कि अगर बात को कहते हैं समझना हो ना सही से, तो शुरुआत से की जाए, शुरू से नोट किया जाए कि हुआ क्या। ये देखिएगा, शाम को मैं इस घर में दाखिल हुआ था, दाखिल हुआ था और इस घर के सामने ना ये बीच में पार्टीशन किया हुआ इन्होंने, जो पहले इनका पूरा ही था, बाद में अलग कर दिया था उस हिस्से को जिसमें वो बेरी का दरख्त है और खज्जी है तमाम। उसमें ना इत्तेफाक से तीसरी जगह है जी जहाँ लगातार हमें बिल्ली मिल रही है काले रंग की। मैं चुटकियां बजा रहा हूँ बड़े जोर से और वो इधर देख भी नहीं रहा, आवाज पर ना तो करीब भी हूँ और आवाज भी इतनी निकाल रहा हूँ तो वो देख नहीं रहा। तो बेसिकली नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, इसको नॉर्मल नहीं कह सकते आप। ये शुरुआत हुई ना, अभी हम पहुंचे थे इस जगह पे। वो जो बिल्ला वहां बैठा हुआ था ना, वो उठ के ना इधर आ गया था, ये देख शाख के पीछे बैठा हुआ, वो इधर बैठ गया था। मैं इसको देख रहा था, मेरे देखते देखते यहाँ नजर पड़ी, ऐसी जल्द से निकला यार, बेरी, बेर का दरख्त ही बेरी कहते हैं इसको। तो सबने कंफर्म किया कि हाँ ये बेरी ही है, जो पार्टीशन के कोई इस पार्टीशन की उस तरफ इन्हीं की जगह थी, उस तरफ थी। यकीन करेंगे कि सामने कमरा जिन जहाँ फ्रिज था ना बंद था, वो उसको हमने खोला था। ऐसा नहीं कि कुछ सुराख था, कोई जगह थी जहां से जानवर आते जाते हो अंदर, कुछ भी नहीं था यार। अंदर हम गए ना, जैसे आप पता नहीं आप लोगों का इत्तेफाक हुआ ही नहीं हुआ, एमरजेंसी में ना हमें हाईवे पे वॉशरूम में जाना पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां ना महीने से सफाई नहीं हुई, और हम देखते ही बाहर आ गए थे। तो बैठ ही नहीं सकता कोई इंसान, रुक ही नहीं सकता वहां पर, समय पानी था ही नहीं उधर ना। तो एक अजीब माहौल जो आपके सर में दर्द कर दे, आपको ना तबीयत आपकी खराब कर दे, ऐसी स्मेल इस कमरे में से आ रही। और ये भी कह रहे थे कि यार ये जानवरों की नहीं है, ये इंसानों की जैसे होती है ना। अब हैरान मैं यूं हूं कि इतनी स्मेल क्यों बंद में, और ये भी नहीं कि वो यार सीलन की हो या कोई मट्टी की होती है इस तरह से, वो नहीं थी, सामान की, लिटरली वॉशरूम की स्मेल कमरे बदबू आ रही थी। और ये देखिए ये प्याला, ये प्याला, ये प्याला, गिलास ये टूटे हुए, यहाँ पर स्मेल शदीद, गैस पे ऊपर ही है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई भागे, जैसे वो जो प्याला टूटा हुआ है वो ऊपर से भी गिरा है बाहर की ओर, देखो तो चारों से बनता भी जादू है तो दूसरी से था। आप प्रोग्राम में देखिएगा, देखा नहीं आपने, किस एसएसडी में देखा होगा आपने कि हम खोल रहे हैं, कोई सुराख नहीं है। ये तो मैं परेशान हो रहा हूँ कि भाई
कॉल आ रहा है जा रहा है बंद दरवाजों कमरों के अंदर खिड़कियों में, कुंडिया मैंने खोली है ये देखें आप, ये हाल तो देखें आप। अच्छा जी अब जी हम किचन से बाहर निकले और हम आपस में बात कर रहे हैं कि यार स्माइल जो है नाकाबिले बर्दाश्त है, रात में क्या करेंगे कैसे इस तरह से किचन के अंदर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, खाने बनाए जाते हैं खाने की चीजें रखी जाती हैं वहां पर इतनी स्मेल होना। अच्छा वॉशरूम्स और गुसल खाने में नहीं थी इसका? हाँ, ये बात तो है सर, वहां नहीं थी, कमरों में और किचन में थी। अच्छा हम यहाँ बात ही कर रहे हैं तो वही जनाब जो है ना वही बिल्ले साहब जो है ना यहाँ से घूरी मार रहे हैं हमें, ये चीजें नोट रखनी है क्योंकि आगे मैं इस पर आपसे खुद ही जवाब निकल आएगा दिल से। आप ये देखेंगे इसने जो बिहेवियर की जो हमने इसको नोटिफाई किया जो संदेह में हमारे टेंशन जो है वो ये इग्नोर कर रहा है ना कि हमें देखेंगे आप जो है ना देखें। अच्छा हो सकता है वो जिन हो फरिश्ते ना हो, नहीं नहीं जिन नहीं होते, मिलती जुलती किस चीज से मिलती है, दूसरा ऐसा मैक था दूसरा इंसान उसमें दूसरा इंसान जो से ना मरता नहीं है। हाँ काफूर 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 जैसा जो से ना खुशबू था। अब ना आपने पूरा वाक्य सुना है, जिन्होंने नहीं सुना बड़े गौर से सुनिएगा, आंखों देखी बात है ऐनी शाहिद है और कोई वहम का ख्याल नहीं, उन्होंने अपनी आंखों से 7.5 फुट की मखलूक को अपने कमरे में बीवी बच्चों के साथ सो रहे थे बीवी बच्चे इनके और उस मखलूक को अपने चारों कोनों में ना चलते हुए देखा और गायब होते हुए देखा इन्होंने अपनी आंखों से, जिन्हें ना ये फरिश्ता कह रहे थे। मैं श्योर नहीं था इस बात पर, मैं इनसे कह रहा था वो जिन्नात भी हो सकते हैं, कहते नहीं जिन नहीं होते, जिन नहीं होते। तो बात ये ऐसे फरिश्ते भी तो जाहिर नहीं होते, जिन्नात को देखने वाले तो कई लोग हैं, मैं श्योर नहीं हूं लेकिन ये श्योर थे कि वो जिन नहीं थे, पता नहीं क्यों। हालांकि डरे डरे ये भी वो गायब भी हो गए जाहिर भी हो गए। अब ये मान तो यही है कि तीन मखलूकात ना इंसान जिन्नात फरिश्ते, इंसान वो थे नहीं क्योंकि वो गायब हो गए थे और 7.5-8 फुट का और चेहरा नहीं उनकी आंखें सी महसूस हुई थी उनको, फरिश्ता और जिन में से मैं इनको जिन पे कायल कर रहा था लेकिन ये नहीं मान रहे थे इनके बकौल वो जिन नहीं। और बता रहे खुशबू ऐसी थी जैसे हमारे अक्सर जब तकफीन हो जाए जब इंतकाल हो जाता है तो मुर्दों के साथ बॉडीज के साथ ना खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है, काफूर और मुश्क फूर भी होती है, मुश्क फूर भी होती है ना उसको भी इस्तेमाल करते हैं ज्यादा काफूर। तो ये कह रहे हैं वैसी खुशबू थी जो रखी जाती है तीन में साथ उनके ना खुशबू होती है। अच्छा लेकिन यहीं मैं कंफ्यूज पता है क्यों था, मेरा जहन चला गया था शाम को जब हम अंदर गए थे वो स्मेल मैंने सूंघी है ना अंदर से, तो एक तरफ आप कह रहे हैं उनकी ऐसी खुशबू थी कि काफूर और दूसरी तरफ ये स्मेल, तो क्या ये स्मेल बाद में हुई, बाद में आने वाले लोगों की वजह से हुई, दूसरी फैमिलीज की वजह से हुई,